अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। मार्च 2023 में सभी 12 राशियों के लिए मासिक राशिफल। मार्च का महीना निश्चित रूप से सभी के जीवन में कुछ नया लेकर आने वाला है। इस दौरान आपके पास कुछ विशेष करने और जीवन में एक स्टेबल करियर बनाने के कई अवसर आएंगे। ग्रहों की चाल का हम सभी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो इस महीने को किसी न किसी तरह से अनोखा बनाएगा। कुछ समय के लिए आपको जीवन में अपने वर्तमान लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रयास करें कि आप बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसरों को ना खोएं। ऐसा समय भी आएगा जब आप कम आत्मविश्वास और चिंता से भी गुजरेंगे। इस कारण आपको ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सामान्य रूप से आशावादी बने रहने की जरूरत है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आपको अपने करीबी लोगों से सहयोग लेने की जरूरत है। एकमात्र तरीका है कि जिससे आप जीवन की हर स्थिति में अपने जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बच सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा महीना होगा जो आने वाले एक बेहतर वर्ष के लिए कई अच्छी संभावनाओं से भरा होगा। मार्च 2023 के लिए कन्या मासिक राशिफल। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह माह थोड़ा कठिनाइयां और जटिल परिस्थितियां लेकर आने वाला है। नतीजन आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से गुजरना और जीवन में संबंधित जटिलताओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र तरीका है जिससे आप नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सामान्य रूप से सुधार कर सकते हैं। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आप अपने करीबी और प्रिय लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने में सक्षम होंगे, हालांकि वे आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं। इस कारण ऐसी परिस्थितियों से निपटना कठिन होगा जहां आपको इस सदमे से उभरने के लिए मानसिक शक्ति और मजबूत संकल्प की आवश्यकता हो। मंगल इस महीने की 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास रखें। व्यक्तिगत रूप से आप एक कठिन समय से गुजरेंगे जब आप लोगों को अपनी सच्ची भावनाओं को समझाने में सक्षम नहीं होंगे। फिर भी आपका शर्मिला स्वभाव आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से बड़ी सफलता प्राप्त करने के बीच नहीं आ सकता। जब भी संभव हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। केवल एक चीज को आपको करने की जरूरत है, वह है अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना और नियमित रूप से बातचीत करना। बड़े कामों में समय लगता है, इसलिए इस महीने प्रमोशन पाने के लिए आपको अपने पेंडिंग कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। बुध 16 मार्च को मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में हालात सुधरेंगे और लोग समझ पाएंगे कि आप इतने लंबे समय से क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे। इस महीने आपको नौकरशाही से भरपूर मदद मिलेगी। यह आपका ना बदलने वाला स्वभाव है जो आपके जीवन में महान चीजों को हासिल करने में मदद कर सकता है। तब तक आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और उसके अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। बुध 31 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अपने हौसले बुलंद रखें और अपने स्मार्ट डिसीजन से लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करें। लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में हर चीज सबसे बेस्ट चाहते हैं और आप इससे हासिल करने में पीछे नहीं हटेंगे। तभी आप उनकी नेगेटिविटी से बच पाएंगे और लगातार मेहनत कर सकते हैं। इस महीना यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में अपने आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें आप कुछ अन्य विकल्पों की तलाश भी कर सकेंगे, जिससे आपको अपनी लिमिट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को भी आपके जीवन में कुछ बदलाव करने में सक्षमता मिल सकती है, जिससे आपको मानसिक आनंद प्राप्त करने में आनंद मिलेगा। इसलिए आप जो भी अच्छा काम कर सकते हैं उसे पूरा करें और अपने आसपास की नकारात्मकता से बचें। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी।
पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।